डॉक्यूमेंटिंग माई डेज के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। आज भी मैं कंटेंट की खोज में कुछ नया करने जा रहा हूँ। फिलहाल तो मुझे ओल्ड बस स्टैंड पहुँचना है, तो वहाँ पहुँच के आपको आगे बात करता हूँ। गाइस, पहुँच गया ओल्ड बस स्टैंड समय से आधे घंटे पहले। तो अब क्या किया जाए, खाना तो खाया नहीं है मैंने, खा ही लेता। चलो आते जाते इस जगह का डोसा कभी टेस्ट जरूर करना। मैग्नेटो मॉल के आगे वाले साईं मंदिर के पास हमारा मीटिंग पॉइंट डिसाइड हुआ था, तो फिलहाल हम वहीं आके बैठे हैं। ये अपने भैया जी, आपने इनको देखा ही होगा यार, ये सब जगह रहते हैं। तो ये ज़रा अच्छे से बताइए हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या है, एक प्यारे ग्रुप फाउंडेशन है जो कि कुछ डॉक्टर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, सबका एक बड़ा सा ग्रुप है। तो वो लोग अपनी तरफ से आसानी से पूरी बात जानने नहीं दूंगा तुमको, पता चलेगा तो वीडियो खुद ही देखोगे नहीं तुम लोग। गाइस, तो सब हम लोग पहुँच गए हैं मीटिंग स्पॉट पे। हाँ, थोड़ा लेट तो हो गए थे, मतलब हम लोग टाइम पे आ गए थे, ये लोग लेट हुए हैं। So hey guys, the actual vlog starts here in the slums of Bilaspur, Chhattisgarh. कैसे सोते हैं? कैसे हास? ठीक ठीक ठीक। बताओ ना, क्या करे आया हवा? क्या करे यार, बतावन बेटी। तो स्टेशनरी भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और बच्चों को एजुकेशन पे मोटिवेट करना है। मैम, इफ यू कैन स्पीक इन छत्तीसगढ़ी इट विल बी बेटर। आई एम बिहारी। ओके, जोक्स असाइड, तो हम ये करने आए यहाँ पे। इसके बच्चे हैं, हम चाहत रहे हैं कि हम यहाँ के जितना भी बच्चे हैं ते मतलब बुक कॉपी पुस्तक वगैरह है ते मतलब हम लोग मतलब बांटना चाहते हैं। एक छोटे से ड्राइंग कंपटीशन भी करना चाहते हैं जो हम चित्रकला के माध्यम से शिक्षा के महत्व ला बताएंगे। ओके, सो दिस इज द अटेम्प्ट वन ऑफ ग्रुपिंग द चिल्ड्रन व्हिच वाज फेल्ड। उनकी माँ ने आने नहीं दिया, तो हम आगे बढ़ चले। ये ना होगा मैं पीछे से गिर जाऊँ। छोटे बच्चे की बात सुन के अंकल जी कहने लगे, वो तो ज्यादा छोटे हो जाए। अब उन्हें क्या दूध पिलाए यार, अंकल जी समझो, थोड़े बड़े साइज के बच्चे चाहिए। उसके बाद हम इतने बड़े बच्चे की खोज में आगे निकल गए। आगे हमें बच्चे मिले और जब हमने उन्हें अपने संग चलने को कहा तो उनने ये कहा, मम्मी मामा क्या कर रहे हैं? मम्मी ला बात कर ले, पहली मम्मी ला पटापो करवा दो, करने का मन है। हेलो, कैसे हो आप? अच्छी। आपका नाम? मुस्कान शर्मा। मुस्कान शर्मा, ठीक ठीक ठीक, क्यूटी। मुस्कान शर्मा। हमने फिर अंकल जी को सब कुछ एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा, फिर हम पहुंच गए मुस्कान के घर, जहाँ इस क्यूती को देख के हमारी क्यूती पिदा हो गई। बस मैं जो मैं सोच रहा हूँ वो बात कर। हे छोटू। बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, किड प्लस वन। ये क्लिप वैसे कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, वो तो मुझे बस दादी की स्माइल प्यारी लगी तो मैंने डिलीट किया नहीं। टकलू प्लस वन। यार बच्चे के बहाने यार बहुत प्यारे हैं। कुछ नहीं होता, हम लोग भी नहीं। पता है एक राज की बात बताऊं? मैं भी नहीं आया। चलो आ जाओ। यार पता नहीं काहे, लेकिन ये बच्चा इनसे डर रहा था जैसा लगा। जुड़ते जा रहे हैं भाई भाई, नहीं फिलहाल एक ही दिख रहा होगा तुमको, लेकिन और कई हैं। और है अंदर। तो जैसा मैं कह रहा था, बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। फोटो, पूरी वीडियो बन रही है यहाँ पे मूवी। हाय गाइस, बाबू का भाई बोल दो हेलो। हाय हाय, सबको मतलब
हाय बोलो। आप लोग? हम लोग जी जी से आए हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है ना? हाँ वही महामन सब जन पढ़थन। हाँ छुट्टी छुट्टी के दिन माना वैसे बच्चा मन संग समय बिताए और कुछ कुछ अच्छा अच्छा करे बना ऐसे एरिया में जा जा करत रहते हैं। यार कई सारी सिचुएशन का डील करना पड़ा हमें। पता है ये बच्चा जो है भोकू मार मार कर रोता, चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। इसलिए नहीं कि हम उसको ले जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसकी बहन जा रही है। दीदी मत जाओ ना, कह रहा है यार वो। सो क्यूट। चल ना छोटू चल, आप जा रहे हो ना। और भी बच्चे जुड़ रहे हैं। अब हम उन्हें उस जगह लेके जा रहे हैं जहाँ हमारा कॉम्पिटिशन हेल्ड होगा। बस यही फ्यूचर चाहिए, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे। कितने ज्यादा? दो। ओहो। हे, कैसे हो आप? हे बच्चे लोग कैसे हो? एकदम अच्छा। चला चला फिर। क्रेडिट टू द प्लेस जहाँ ये कॉम्पिटिशन हो रहा है। भाई साहब कितने ज्यादा बच्चे आए हैं। चलो चलो सब सर्कल बनाओ। सर्कल बड़ा करो। ड्राइंग पेपर और ड्राइंग पेंसिल बांटे जा रहे हैं गाइस। कैमरामैन दूसरे कैमरामैन को रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब कैमरा गर्ल कहना चाहिए शायद, मैं थोड़ा गलत बोल डाला। अबे शादियों जैसे दोना पत्री बांटते हैं वैसा नहीं लग रहा तुमको? हाँ डरा मत भैया। सो हियर ही इज एक्सप्लेनिंग द रूल्स। तीन व्यक्ति जो सबसे अच्छा ड्राइंग बनाएंगे उन्हें प्राइज मिलेगा। सो द कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स हियर। बनाओ बनाओ। हाँ बनाने नहीं आता? आता तो मुझे भी नहीं है। नहीं 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 आता है। बीच में से सन निकलेगा, निकलेगा। सुनो ना मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, एक बात बताओ। जब भी कोई ड्राइंग सीखता है तो सबसे यही क्यों सीखता है? माउंटेन्स, बीच से सन और फिर वहां से एक अलावा। नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा, शायद तुमको मेरी आवाज़ आ नहीं रही अच्छे से, लेकिन ये मिशन फिलहाल मैं सक्सेस कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे आए हैं और अभी ड्रॉ कर रहे हैं। पता समझा तेरा, ड्रॉ क्या कर रहे हैं? तिरंगा। सबको यही तो बताया जाता है यार। और तिरंगे में कितने ज़्यादा वेरिएशन तुमको मालूम है? कई ज़्यादा भाई, दिखाता हूँ तुमको। चलो ठीक है,
यार बच्चों में क्रिएटिविटी भी है यार, तुम विश्वास नहीं करोगे बच्चे क्या क्या ड्रॉ कर रहे हैं इस छोटी सी एज में। ये लोग सेव प्लैनेट का ड्रॉ कर रहे हैं, सेव वाटर का ड्रॉ कर रहे हैं यार, जरा देखोगे, दिखाता हूँ तुमको। बच्ची कितना अच्छा ड्रॉ कर रही थी मालूम है, बच्ची कितना अच्छा ड्रॉ कर रही थी, आपको अच्छा करो बस वीडियो बनवाने के लिए। ओके देन ड्राइंग शीट्स कलेक्ट करे जा रहे हैं। मैंने ऊपर से पानी लेने आया था और ये लोग ने पूरा कार्यक्रम खत्म कर दिया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पानी। इसके बाद हमने यादों के रूप में बच्चों के हाथों के प्रिंट पेपर पे लिए। चार बच्चों के हैंड प्रिंट लेने के बाद बाकी सब इनके पास खुद दिए। अब ये कैसे मैनेज कर रहे हैं जरा ये तो देखो। हल्ला इतना ज्यादा हो रहा था ना भाई, देखे तो जरा देखो ऊपर में क्लिनिक है, ये ना हो कि ऊपर वाले पेशेंट नीचे आ जाए और बोलने लगे तुमको तो निकाल देंगे भाई। गाइस दिस इज द लास्ट थिंग, द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ तो बच्चे लोग आगे वाला मोहल्ला जो है वही रहते हो? अच्छा एकदम आगे, चलो चलो लेके चलते। सुनो सुनो रोड पूरा मत घेरो ठीक है, रोड पूरा नहीं घेरना, थोड़ी इधर चलो एक साइड में चलो बच्चे लोग। बहुत ही नया एक्सपीरियंस था ये स्लम्स के बच्चों को। आज हमने कॉपी पुस्तक बांटे, एक छोटा सा ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी किया था हमने। पता है बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं यार, ये लोग इसी उम्र में सेव प्लैनेट का ड्रॉ कर रहे थे, सेव वाटर तक का ड्रॉ किए थे इन्होंने। लगता है भविष्य
अच्छा जा सकता है हमारा, ठीक है। अगर बच्चे लोग बहुत छोटी उम्र में ये सब चीज़ समझ जाएंगे तो फ्यूचर में शायद ना करें, है ना, पानी वेस्ट ना करें, पॉल्यूशन से मानी पॉल्यूशन कम करें, ठीक है, कुछ ऐसा सीन है। प्लैनेट के बारे में अगर बच्चे बचपन से अच्छा सोचने लगेंगे तो अच्छा ही है ना। चॉकलेट लेके भागा जा रहा था कैसे, ये 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 यही है चॉकलेट लेके भाग रही है। हाँ देखो हमको ये केक मिला बच्चों, मेरे हाथ खाली है, मेरे हाथ खाली है, मेरे को एक भी नहीं मिला। अंदर से आए मिलके, वो गई है मिलने, सबको नहीं मिला। Finally, अब चल रहे हैं। Bye bye. Bye guys. Bye.